विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर शराब पर सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार में रहते हुए भाजपा आदिवासी बच्चों को स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत शराब परोसने की ट्रेनिंग देती थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने 12वीं पास छात्रों को नीट जेई पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना शुरू की है। हमने कोटा के कोचिंग संस्थानों से एमओयू किया है, इतना बदला है छत्तीसगढ़। इस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि नकली और जहरीली शराब से लोगों की जान लेकर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से मुंह चुरा रहे हैं। भाजपा सरकार पर शराब बेचने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया जाना उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व की बीजेपी सरकार पर जो शराब के विषय पर आरोप लगाया गया है, वह आरोप मुख्यमंत्री का स्तरहीन बयान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज के जमाने में इस 5 साल में जिस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, उस भूपेश सरकार के जमाने में आज शराब घर घर पहुंच गया है, नकली शराब का कारोबार हो रहा है और हर स्थान पर प्रीमियम दुकान शराब की खुल गई है, नकली होलोग्राम बन गया है। शराब में इस 2000 करोड़ रुपए का इस सरकार के जमाने में घोटाला हुआ है। आज शराब से, नकली शराब और जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो छत्तीसगढ़ की भूपेश की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। भूपेश सरकार के इस बयान पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सूपा बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें हजारों छेद हैं।